वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नर जनरल और वायसराय को, ठीक है। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं। जैसे जो पहला पद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वो है बंगाल का गवर्नर, ठीक। सबसे पहला जो पद हम देखेंगे वो है बंगाल का गवर्नर। उसके बाद अगला जो पद है वो है बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी एक पद यहाँ पर बढ़ जाएगा। पहले जो बंगाल का गवर्नर था वो बन जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, और बाद में हम देखेंगे कि यही बंगाल का गवर्नर जनरल बाद में जाकर के बन जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और यही भारत का गवर्नर जनरल आगे चल के बनेगा भारत का वायसराय। तो बेसिकली आज इन चीज़ों के बारे में हमें चर्चा यहाँ पर करनी है। सबसे पहले मैं जो चर्चा करूँगा वो स्टार्ट करूँगा बंगाल के गवर्नर से, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वॉरेन हेस्टिंग्स, ये है बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर को। देखिए साथियों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ करके आए हैं बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी के युद्ध में विजय के बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का उदय होता है और उस व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। तो रॉबर्ट क्लाइव एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, रॉबर्ट क्लाइव की वजह से ही प्लासी का युद्ध जो है जीता गया। और बाद में जब बंगाल के क्षेत्र पर कब्जा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया बंगाल का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर का सेंस क्या है यहाँ पर? बंगाल के गवर्नर का सेंस है कि इसको बंगाल का सर्वे सर्वा बना दिया गया, ये बंगाल का सबसे प्रमुख व्यक्ति है और सारे की सारी बंगाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसके अधीन आती है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना। दूसरा, अगर हम क्लाइव की बात करें तो क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि क्लाइव के समय में ही 1766 के आसपास श्वेत विद्रोह हुआ है, वाइट म्यूटनी, ठीक है। श्वेत विद्रोह लिख देता हूँ यहाँ पे, श्वेत विद्रोह ये हुआ है 1766 में, ध्यान रखना इसी के समय में हुआ है। वो भत्तों को लेकर के कुछ था, कुछ अलाउंसेस जो है अंग्रेज सैनिक थे उनको मिलते थे, बाद में उनको बंद कर दिया गया, इस वजह से वो हो गया। क्यों हुआ है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ध्यान रखना है किसके समय में हुआ है। तो ध्यान रखना, जो वाइट रिवोल्ट है, जो वाइट विद्रोह है, श्वेत विद्रोह है, वो रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुआ है। एक चीज़ आपको क्लाइव के समय की और याद रखनी है कि क्लाइव के समय में ही 1700 लिख देता हूँ उसको साफ करके, क्लाइव के समय में ही साथियों 1765 से लेकर के 1772 तक बंगाल में लागू रहा है द्वैध शासन, ठीक है। तो द्वैध शासन भी इसी के समय में लागू हुआ है, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 से 1772 तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। बंगाल का पहला गवर्नर जो है वो है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्लाइव के बाद जो अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हमें देखना है साथियों वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का समय क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स का समय है 1773 से लेके 1785 तक। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पहला पॉइंट याद रखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग्स है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदल के गवर्नर जनरल क्यों किया गया, ठीक है। पहले जो गवर्नर था उसका नाम चेंज होकर अब क्या हो गया? अब हो गया गवर्नर जनरल। सवाल उठता है ऐसा क्यों? तो समझ लो इसको, ऐसा इसलिए है साथियों क्योंकि बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी स्टार्टिंग में अंग्रेजों के पास एक ही प्रेसिडेंसी थी जिसका नाम था बंगाल। बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपना क्षेत्र विस्तार किया तो बंगाल के बाद उनके पास जो है बंबई भी आ गया, बंबई के बाद उनके पास मद्रास भी आ गया। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक गवर्नर मद्रास का है, एक गवर्नर बंबई का है, एक गवर्नर बंगाल का ऑलरेडी चल ही रहा है। अब तीनों में ही गवर्नर हैं और तीनों का रैंक करीब करीब एक जैसा है, तो इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, यानी तीनों के पास अपने अपने पावर है और तीनों एक ही रैंक पर है,
तो ये लोग एक दूसरे को सलाह ही दे सकते थे, केवल सलाह तो दे सकते थे लेकिन एक दूसरे के आदेश मानने के लिए ये लोग बाध्य नहीं थे। तो ऐसे में प्रशासनिक दुविधाएं होने लगी और इसी समस्या से निपटने के लिए ये तय किया गया कि इन तीनों में से किसी एक को ज़्यादा पावर दे करके उसको सुपीरियर बना दिया जाए और वो जो सुपीरियर होगा वो बाकी जो प्रेसिडेंसी बचेंगी दो उनको कंट्रोल करेगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल का जब गवर्नर जनरल हो गया तो अब हो गया बम्बई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर, यानी अब बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर को इस गवर्नर जनरल की बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये इसके रैंक में उछाल आया है, इसका रैंक ऊँचा हो गया है, ये अच्छी पोस्ट पर है। तो इसी चीज़ को करने के लिए नियुक्त किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इनके समय की इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। तो इनके समय की पहले इंपॉर्टेंट बात है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। देखिए विद्यार्थियों, बहुत बार क्या होता है कि रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में लिख देता है। तो देखो ध्यान रखना, रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में बोलते हैं नियामक अधिनियम। नियामक अधिनियम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को नियामक अधिनियम कहते हैं। किसके समय में आया है तो याद रखना, ये आया है वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है। अगला पॉइंट, 1781 में इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र विभाजित कर दिया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी इसके अंतर्गत आया है। ये जितने अधिनियम है ना रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे केवल हम हाईलाइट देख रहे हैं। 1774 का जो रोहिल्ला युद्ध है साथियों, वो भी इसी के समय में ही हुआ है, याद रखना। इसके अतिरिक्त नंद कुमार पर अभियोग, मतलब नंद कुमार के आरोप लगाने पर इस पर अभियोग चला तो महाराज नंद कुमार को फांसी दे दी गई इसी के समय में। एक्चुअल में जो नंद कुमार हैं ये मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स पर यह आरोप लगाया कि वारेन हेस्टिंग्स ने मीर जाफर की जो विधवा है जिसका नाम है मुन्नी बेगम, उसके अल्पवयस्क बेटे जिसका नाम है मुबारक उद्दौला, उसका संरक्षक बनने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपया घूस ले लिया, ठीक है। यानी आरोप लगाया किसने, नंद कुमार ने। और जब आरोप लगाया तो ऑब्वियस बात है, तो बहुत बड़ी बात हो गई क्योंकि काफ़ी ऊंचे पद पर है ये। बाद में हेस्टिंग्स ने क्या किया कि जो कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय, जो आपका सुप्रीम कोर्ट था जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, उनकी सहायता से क्या किया, नंद कुमार को फांसी पर चढ़वा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1775 का आंग्ल मराठा युद्ध और 1782 की सालबाई संधि इंपॉर्टेंट है। 1780 और 84 का दूसरा मैसूर युद्ध भी इसी के समय में हुआ है। बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध थे इसके। अवध की बेगमों से इसने जाति करी, इस कारण से हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया। ध्यान रखना, ये ऐसा पहला व्यक्ति है जिसके पर इंग्लैंड की संसद में महाभियोग चला, ऐसा पहला गवर्नर है। इसके अलावा इसी के समय में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है विलियम जोन्स ने। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार एक कोलोजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया, जो मैंने आपको बताया ना क्यों बनाया गया, वही चीज़ है। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, पढ़ चुके हैं हम। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड वेलेजली संबंधित थे, ध्यान रखना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सुरक्षा का घेरा, ठीक है, रिंग ऑफ फेंस इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो इससे कौन कौन संबंधित है, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड वेलेजली दोनों। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स के न्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर मुकदमा चलाया गया जो 1788 से 1795 तक चलता रहा। तो ये हुआ आज का वीडियो जिसमें हमने बात करी रॉबर्ट क्लाइव की और इसके अलावा हमने बात करी वारेन हेस्टिंग्स की। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।